साबा बाजपा का तो गठबंधन हुआ है और आज आपने मिठाई एक दूसरे को खिलाकर खुशियां बांटी हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? आज जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, ये दोनों पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ये दिन इस देश में, प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। ये दिन, ये समझौता जो आज गठबंधन हमारा हुआ है, इस देश में जो तमाम युवा जो आज बेरोजगार है उसको रोजगार भी मिलेगा, जिसे अशिक्षित वर्ग था हमारा वो शिक्षा की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा, और देश में जो समता मूलक समाज की स्थापना की विचारधारा जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा थी उसको बदलने का काम, एक आरएसएस की विचारधारा जो इस देश में पनप रही थी, ये देश परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा से चलना चाहिए। दोनों दल परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा से देश को चलाने में दोनों लोगों ने आज समझौता किया। यह समझौता प्रदेश में जब समझौता नहीं भी हुआ था, फूलपुर और गोरखपुर की सीट में डिप्टी सीएम और वर्तमान सीएम हारे थे, और ये जो गठबंधन आज हुआ है तो तय कर लें निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में देश का पीएम भी हारेगा। ये गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी तरफ से जो यात्रा निकाली गई है, इसमें क्या कहेंगे आप? आज जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये यात्रा निकाली गई है, ये जन जन यात्रा है। इस जन जन यात्रा के माध्यम से हम पिछले वर्ग के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। जो ये भाजपा वाले रोस्टर लाके 27% आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये पब्लिक और ये जनता में एक मैसेज आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बीसी वालों के साथ कितना छलाव कर रहे हैं और उनके साथ धोखा दे रहे हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का अपना विजन, जो सामाजिक पिछड़ों पर हमने जो काम किए हैं लगातार, दलितों पर, पिछड़ों पर, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, दो सब पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, बहन मायावती जी ने और समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक फैसला है ये, क्यों समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनको लेकर के हमने ये यात्रा निकाली थी माननीय जावेद अली खान साहब के नेतृत्व में। ये जन जागरूकता अभियान भी है कि हमने कितने काम किए, उन तमाम कामों को रोकने का काम, दलितों को, पिछड़ों को, अखिलेश के लोगों को पीछे धकेलने का काम जो योगी और मोदी सरकार ने किया है, उसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान रैली थी आज जो निकाले थे। लेकिन निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास में जाना जाएगा इस बात के लिए कि दलित, पिछड़े, अगड़े, जो लोग हमेशा, जो लोग संविधान को निस्तबूत करना चाहते थे, आज उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय बहन मायावती जी ने लगातार ये फैसला लेकर के इस देश और प्रदेश की सरकार में खलबली पैदा कर दी, उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसी के साथ आज ये यात्रा हम जो लेके आए थे, भाई हरवीर हमारे साथ थे, माननीय जावेद अली साहब के नेतृत्व में निकले थे, और ये लगातार जब तक ये योगी सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने काम करेंगे, जब तक नहीं उखाड़ते, जब तक लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के नेतृत्व में लगातार सड़क गर्म करके इन दलितों को, पिछड़ों को, अखिलेश के लोगों को उनको अधिकार दिलाने का काम हम करेंगे।